सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज सभी का हमारे ट्यूशन जीपीडेस में बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि कंपार्टमेंट एग्जाम की सीबीएसई क्लास 10th और 12th की ऑफिशियल डेटशीट आ गई है। डेटशीट गाइज आपको cbse.nic.in तो ऑफिशियल वेबसाइट है सीबीएसई की, उस पर अवेलेबल हो गई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइज देखो, बहुत से स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि सर डेटशीट आ गई तो इसका मतलब क्या सर अब कंफर्म एग्जाम हो गए, और दूसरा बहुत से स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा कि सर एडमिट कार्ड कब आएगी। दोनों ही क्वेश्चन आंसर आज की वीडियो में दूंगा, बट गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक ऐप के बारे में बताना चाहूंगा जो आपकी स्टडी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अब आपकी सभी मैथमेटिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स के डाउट सॉल्व करने के लिए आ गया डाउट नेट ऐप। इस ऐप के अंदर आप किसी भी क्वेश्चन की फोटो को क्लिक करो, क्रॉप करो और सेंड कर दो। विद इन 3 सेकेंड के अंदर आपको वीडियो फॉर्मेट के अंदर सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये ऐप 6th to 12th नीट IIT-JEE सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो अभी इस ऐप को डाउनलोड करो। तो गाइज जैसा कि आप सभी को पता ही है कि सीबीएसई की ऑफिशियली डेटशीट आ गई है। कल शाम को 4 बजे ही डेटशीट आ गई थी, ऑफिशियली वेबसाइट पे आ गई थी। तो गाइज देखो, अब एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड लगभग 10 तारीख से पहले आ जाएगा। सीबीएसई का मानना है कि जिस दिन डेटशीट आती है उसके 1 वीक बाद या फिर 2 वीक बाद में, डेटशीट के 1 वीक या 2 वीक बाद में एडमिट कार्ड सीबीएसई रिलीज कर देती है। तो गाइज आप इतना समझ लो, 22 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट है 22 सितंबर से, तो मे बी आपकी डेट जो एडमिट कार्ड वो 15 तारीख तक या फिर 10 तारीख से पहले आ जाएगा, इतनी उम्मीद की जा रही है। जल्द एडमिट कार्ड आ सकता है, ये कई न्यूज़ वेबसाइट का कहना है। अब बहुत से स्टूडेंट मुझे ये कहते हैं कि सर अब डेटशीट आ गई तो सर क्या अब कोर्ट का फैसला कुछ नहीं आएगा। तो गाइस देखो, मैं आप सभी को इतना ही बोलूँगा, अब अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो। अब डेटशीट आ गई, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो, जो फैसला होना होगा वो करेगा कोर्ट। डेटशीट आई है, एडमिट कार्ड आएगा, सीबीएसई को दिखाना पड़ेगा कि हम बच्चों की पूरी सिक्योरिटी का ध्यान में रखेंगे। अगर बच्चों की लाइफ को कोई रिस्क नहीं होता तो एग्जाम करवा लेगी सीबीएसई। अगर लगता है सुप्रीम कोर्ट को कि अभी बच्चों की लाइफ को थोड़ा बहुत रिस्क है, तो शायद ये हो सकता है कि अभी डेटशीट को एक और रोक सकती है कोर्ट। बट गाइज अब जैसा माहौल बना है उस माहौल के अकॉर्डिंग तो मेरे को लगता नहीं कि अब शायद सुप्रीम कोर्ट कैंसिल करे एग्जाम, लेकिन अपने वेट करेगी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का। पर मैं आपको इतना कहूँगा अभी भी कि स्टडी को कंटिन्यू रखो, वेट करो डिसीजन का, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने वाला, उसका वेट करो, लेकिन स्टडी मत छोड़ना, स्टडी रेगुलर करते रहो। लेकिन साथ में सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आने वाले हैं उनके ऊपर पूरा मेरा भी ध्यान है, आप भी अपना ध्यान रखो। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आप तक पूरी पहुंचा दूंगा। अभी आप सभी का इतना ही, जो मेन इन्फॉर्मेशन यही है कि डेटशीट आ गई, अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर लो, जल्द एडमिट कार्ड आ जाएगा। अगर कोई कंपार्टमेंट एग्जाम को लेकर कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आप जल्दी वीडियो बना के बता दूंगा। इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स साथ शेयर करें जिससे उनको पता लग सके कि कंपार्टमेंट एग्जाम की डेटशीट आ गई है और एडमिट कार्ड भी आने वाला है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला का इंतजार करे वो या ना करे वो भी इनको समझ आ सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतने, मैं फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सुनिए, घर पे रहो, सेफ रहो।